नुहू जिले के बिछौर थाना में कई सालों से रखी अंग्रेजी व देसी अवैध शराब की हजारों पेटियों को नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट व डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन के आदेशों से जेसीबी मशीन द्वारा बिछौर थाना में नियुक्त किया गया। बिछौर थाना प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि 2017, 18, 19 व 2020 में जो एक्साइज टीम द्वारा 23 मुकदमे बिछौर थाना में दर्ज किए गए थे, जिसमें कुल माल की 1005 अंग्रेजी व देसी शराब की पेटी तथा 1524 देसी पौवा व अंग्रेजी शराब की बोतल बिछौर थाना में जमा थी, जिनको बिछौर थाना प्रभारी रमेश चंद ने हल्का मजिस्ट्रेट से डिस्टोर्ट कराने की परमिशन लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर सोमवार को बिछौर थाना में जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर माल का गड्ढा में डालकर जेसीबी मशीन से दबा दिया गया। बिछौर थाना प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजारिनिया द्वारा जिले के सभी थाना चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर नशे को लेकर भी थाना प्रभारी गंभीर नज़र आए, इतना ही नहीं इलाके में किसी प्रकार का क्राइम नहीं होने देंगे। इस मौके पर डीएसपी रमेश सिंह, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कंवरलाल नायब तहसीलदार व जिला पुलिस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन अरविंद कुमार, थाना प्रभारी रमेश चंद प्रकाश कुमार मौजूद रहे। आपकी क्या राय आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस शराब के बारे में। और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़। इसकी जानकारी ये है सर, 2017, 2018, 2019, 2020 में जो एक्साइज के मुकदमे थाना बिछौर में दर्ज किए गए थे, उनका माल मुकदमा हमारे थाना में जमा था। उनके उनका हमने हल्का मजिस्ट्रेट से उनकी डिस्टोर कराने की परमिशन लेकर अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा कर आज माल को जेसीबी बुलाकर थाना अदा में नष्ट किया गया है। सर, और जगह भी शराब जगह जगह पकड़ी जा रही है, किस तरह के सख्ती बरती जा रही है सर इलाके? सर, इसके बारे में कोई जहाँ भी कोई सूचना मिलती है या जहाँ भी पुलिस को मुखबरी मिलती है, तुरंत इसके तुरंत एक्शन लिया जाकर कब्जा में शराब लेकर आरोपी के खिलाफ FIR तुरंत दर्ज की जाती है। सर, कोरोना के चलते शिकायतें आ रही हैं, दुकानदार जो है कि स्टॉक कर रहे हैं सामान का और उनको महंगे दामों में बेच रहे हैं। हम अपने अफसरों के दिए हुए दिशा निर्देश अनुसार जगह जगह पर छापेमारी करते हैं, जहां भी ऐसा करते हैं तो हम तुरंत कार्रवाई अमल में लाकर अधिकारियों को बताते हैं।